और यहाँ पे दूर में एक नदी देखने को मिल रहा है। तो ये मेघालय बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाला है आपके लिए। टर्निंग पॉइंट, एकदम सुनसान सी जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत सा रिवर है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर? आप जब इसके ऊपर से जाओगे तो ये ऐसा रिदम में मूव करें। इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और रिवर को क्रॉस करके हम जाएंगे उस तरफ। ये रहा वो खासी का विलेज जो ट्रेकिंग के दौरान पड़ता है। तो ये खासी विलेज से गुजरते हुए हम अभी जाएंगे नीचे की तरफ। ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ट्रेकिंग के दौरान एक विलेज एंड फिर उसके बाद पहले तो था सुनसान एक जगह, पहाड़ी जगह जहाँ पे कोई नहीं था दूर दूर तक, और फिर हम ट्रेकिंग करते हुए आ गए हैं एक विलेज पे, पहाड़ के अंदर, पहाड़ के ऊपर एक विलेज जो खासी ट्राइब्स का जो विलेज है वो। तो ये ब्लैकबेरी यहाँ पे कल्टीवेट होता है एक्चुअली, इसलिए बहुत सस्ता पड़ता है। हमारे वहाँ पे तो बहुत मतलब कि पैसा दे के हमको ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए आप 90 रुपीज़ में ब्लैकबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, सब बेरी ही बेरी मिल गया। और ये जो बेरी है ये है बहुत बढ़िया, तो बढ़िया बेरी। तो हमारा ड्राइवर जी जो है, जो हमारे एग्जिट पॉइंट में इंतज़ार कर रहा है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। तो हमको थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। अभी हवा बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है। पानी शायद यहाँ पे जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे शायद कलेक्ट किया जाता है। हेलो, तो अभी ये जो जगह है ये क्या बताऊँ मैं आपको, वैली जैसा है। और यहाँ से देखिए पानी आ रहा है, शायद कोई झरने का पानी होगा। और वहाँ पे कोई ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड। तो अभी हम एकदम एंड पॉइंट के नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक नेचुरल स्विमिंग पूल। बहुत ही सुंदर सा जगह है। मुझे तो मतलब कि मुझे लग रहा है, इच्छा हो रहा है अंदर कि जाऊँ और यहाँ पे स्विमिंग कर लूँ, मगर शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टॉवल्स वगैरह जो है मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा पैंट्स, एक्स्ट्रा शर्ट्स भी नहीं है मेरे साथ, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। मगर इच्छा बहुत कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि टॉवल्स कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसा झरना, ऐसा नदी यहाँ पे बहुत सारा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके स्विमिंग्स, बाथ वगैरह आप कर सकते हो। और देखो नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर है यहाँ पे, है ना। ये जो नदी है यहाँ से ऐसे बहता हुआ जा रहा है उस दूर जगह में। तो मैंने आपको रेड रोडोडेंड्रॉन मैंने आपको दिखाया था और ये है वाइट रोडोडेंड्रॉन। ऊपर की तरफ जब हम थे तब हमको नज़र आ रहा था रेड कलर का रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स, और अभी नीचे में हमको नज़र आ रहा है वाइट कलर का रोडोडेंड्रॉन फ्लावर। तो अभी भी 4.5 किलोमीटर हमको जाना है यहाँ से। अभी दोपहर का 2:45, 2:45 हो रहा है, 2:45 PM। और हम शायद जब ये ट्रिप स्टार्ट किए थे तब लगभग बज रहा था 10 AM और 9:30 AM और 10 AM था जब हमने ये ट्रेक जो है वो स्टार्ट किया था, और अभी बज रहा है 3। तो ये जो ट्रेकिंग है ये लगभग 16 किलोमीटर्स का ट्रेकिंग है। तो अगर आप तैयार हो 16 किलोमीटर का ट्रेकिंग करने के लिए तो आ जाओ। पानी जब बहता है, फ्लो जब करता है पत्थर के ऊपर से, तो एक साउंड आता है, तो वो साउंड आ रहा है हमारे कानों में, और पंछी का धुन, वाटर का साउंड, और यहाँ का शांति, और यहाँ पे जो हवा चल रहा है उसका भी एक साउंड है। तो ये सब मिला के ये जगह बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप ये देखो, ये जगह देखो आप, यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। अगर मेरे घर के बगल में अगर ये जगह होता तो मैं हर रोज़ यहाँ पे आके नहाता। देखो आप चारों तरफ फ्लावर्स एंड यहाँ पे थोड़ा पत्थर वगैरह है जहाँ पे आप बैठ के आसानी से नहा सकते हो, एंड दोज आर नेचुरल वाटर। यहाँ ऊपर आपको देखने को आएगा, यहाँ देखिए ऊपर एक रास्ता चल गया है, वो एक खासी विलेज है, कोई खासी ट्राइब्स का बहुत सारा विलेज यहाँ पे पास में बगल में है, छोटा छोटा विलेज, तो वही है शायद।
और यहाँ पे एक ब्रिज एकदम जैसे आपको वो वॉलपेपर में दिखता है ना पिक्चर्स, बहुत ही सुंदर सा ऐसा ही कुछ नज़ारा है यहाँ पे। पानी का जो क्या बोलूँ मैं, कैनल या पानी जो फ्लो हो रहा था वो यहाँ पे आके गिर रहा है। और ये जो है एक वैली है और वहाँ पे कुछ बैठने का जगह बनाया गया है रेस्ट करने के लिए, जो ट्रैवलर लोग यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आके बैठता है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा ट्रैक है। बहुत सारा ट्रैवलर आता है और ऐसे ही यहाँ पे थ्रो करके चला जाता है उनका गार्बेज, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि गार्बेज यहाँ वहाँ थ्रो मत कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं इस जगह का ब्यूटी है उसलिए हम आते हैं, है ना। तो ये जगह का ब्यूटी, ये नेचर का जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए हम आते हैं, मगर यहाँ पे अगर हम लोग अगर थ्रो करेंगे गार्बेज यहाँ वहाँ तो ये जगह का खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही डर्टी लगेगा। सो यहाँ पे देखिए आप, एक रोड जो है वो ऊपर सीढ़ी स्टेयर्स ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे भी एक विलेज है, खासी विलेज। यहाँ से इसका जो सीनिक ब्यूटी है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए लेक की तरह दिख रहा है आपको, कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट लाइक कश्मीर, यू नो। जी तो करता है बस ऐसे ही घूमते रहे, सारा जीवन, पूरा जीवन, पूरा लाइफ ऐसे ही घूमते हुए बिता दूं, मगर मनी प्रॉब्लम सभी को होता है ऐसा। फिर भी अभी इस इन दिस एज वी हैव मेनी वेज टू सेव आवर मनी एंड टू डू सम बजट ट्रैवल। मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर, ऊपर शायद कहीं पे लिंक आ रहा होगा, चेक कीजिए कैसे आप लो बजट में विदाउट एनी जॉब आप ट्रैवल कर सकते हो पूरा दुनिया, तो देख लीजिए वो भी। एकदम जंगल के अंदर हो रहे, पानी देखिए आप पास में कितना साफ सुथरा हुआ, नील जस्ट लाइक केरोसिन्स, जो मिट्टी का तेल जो होता है ना, जो स्कूल में हमको सिखाया जाता था ड्राइंग क्लास में, हम लोगों को सिखाया जाता था ना कि पानी का कलर क्या होगा, ब्लू। तो मैं सोचता था अरे यार कहाँ पे पानी का कलर ब्लू होता है ना, हमारे आसपास में अभी तो इतना नहीं मिलता है, पॉन्ड वगैरह जो था उसका भी पानी ब्लू तो होता नहीं था, काला या क्या बताऊँ ग्रीन कलर का होता था, और घर में जो पीने का पानी था वो तो ऐसे ही वाइट कलर का सच होता था, क्रिस्टल क्लियर। तो मैं सोचता रहता था कि ब्लू कलर का पानी कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है जो कलर है ब्लू। और एक जगह है नील आइलैंड, जब हम अंडमान का विज़िट किए थे, अंडमान का वीडियो भी है मेरे चैनल में, ऊपर कहीं पे शायद लिंक आ रहा है अब चेक कर लो। तो अंडमान में हम जब गए थे वहाँ पे नील आइलैंड बोल के एक आइलैंड है, नील का मतलब होता है नील, ब्लू। तो सचमुच जो नाम है परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ का जो आसपास का जो पानी है ना एकदम ब्लू कलर का है, एकदम ब्लू। आप वहाँ पे देखो केव्स वगैरह दिख रहा है आपको, केव्स, छोटा छोटा केव्स। और वहाँ पे देखो ऊपर शायद कोई विलेज है, और वहाँ पे कोई बच्चा लोग शायद वहाँ पे खेल रहा है, और वहाँ से दूर से आवाज़ लगा रहा है। सो दे आर मेकिंग सम व्यू पॉइंट्स ओवर देयर, एक नया व्यू पॉइंट बन रहा है अभी वहाँ पे, जो ब्रिज है वो उसका ही चलते बन रहा है। तो जब आप आओगे ये वीडियो को देखने के बाद, तब शायद आपको वहाँ पे जाने का मौका मिल जाएगा और वहाँ से इस पूरे जगह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैंने सोचा ये आ गया है एंड पॉइंट, तो मैंने पूछा मेरा ट्रेकिंग गाइड से, बंसन जी से, कि ये है क्या एंडिंग पॉइंट, तो उन्होंने बताया नहीं 2 किलोमीटर और है यहाँ से। और इस जगह को देखने के बाद मुझे सीरियसली लग रहा है क्यों इस जगह को इंडिया का स्कॉटलैंड बोला जाता है। ऊपर देखिए एक ब्रिज है ऊपर, और यहाँ पे देखिए पानी आ रहा है, थोड़ा पानी पियेंगे हम। पानी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही साफ है, पी सकते हो आप। हेलो सो लोकल पीपल, ओके
नीचे का रास्ता जो है थोड़ा स्लिपरी है, तो इसलिए हमको थोड़ा केयरफुल तरीके से उतरना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का रास्ता, जिनमें से होते हुए अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इतना हम वॉकिंग कर चुके हैं ना, मेरा जो घड़ी है एप्पल का आई वॉच, इसमें एक्चुअली वो मीटर आता है ना कि कितना आप सर्कल आता है, कितना आप वर्कआउट किए हो, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल डेज में क्या होता है, मेरा वो रिंग जो है पूरा ही नहीं होता है, जितना भी योगा कर लूँ स्विमिंग कर लूँ वो पूरा नहीं होता है। 450 कैलोरी बर्न करने के लिए मेरा सारा दिन गुजर जाता है। और आज क्या हो गया, आज आप देखो 2-3 सर्कल को मार चुका है, तो आप सोच सकते हो कितना कैलोरीज मैं बर्न कर चुका हूँ। और अगर यहाँ पे मैं रहता हूँ 1-2 महीने के लिए तो एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊँगा। ये देखिए नीचे की तरफ अभी हम जाएंगे, और ये ऊपर से हम आए हैं, स्कूल बॉयज इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। हेलो हेलो हेलो, दिस इज कैमरा, से हेलो हेलो। बगल में शायद कोई स्कूल होगा, और अभी स्कूल का छुट्टी का वक्त हो गया है, 4 PM अभी हो रहा है, लगभग 3:52, तो स्कूल का छुट्टी हो गया है। और अभी वो जो स्कूल गर्ल एंड स्कूल बॉयज़ जो है वो लौट के आ रहे हैं स्कूल से अपने घर की तरफ। हेलो, व्हाट इज दिस, दिस बुक, डू वांट टू गिव मी, वर्क्स वेरी दिस वन, यू वांट टू गिव मी दैट, ओके, वन इज एनफ, सॉरी, वन इज एनफ, नो, थैंक यू सो मच। इसे लिया मैंने, वो खट्टा है ना। हेलो हेलो, बहुत सारे कूल गर्ल्स एंड कूल बॉयज जा रहा है। ये जो है थोड़ा खट्टा है, और इसमें उन्होंने क्या है सॉल्ट एंड चिली पाउडर मिक्स किया है, तो टेस्ट जो है वो अच्छा है। बंगाली में एक फ्रूट है, वेजिटेबल ही बोलना अच्छा रहेगा, जिनको हम कहते हैं आमड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लिख दूंगा मैं वहाँ पे देख के। तो इसका स्वाद जो है वो लगभग आमड़ा की तरह है। वेरी सावा। यहाँ पे एक चीज़, मैं जब स्कूल के जो लड़का लड़की लोगों को जब मैं देख रहा था, तब मैं सोच रहा था कि हमारे जगह में, कोलकाता में बोलिए या हमारे जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह जो है, वहाँ पे तो हम जो एजुकेशन है वो कितना आसानी से हमको मिल जाता है ना, बहुत ही आसान होता है। स्कूल भी हमारे घर से करीब में होता है, और हम साइकिलिंग करके बाइक लेके हम चले जाते हैं वहाँ पे। मैंने तो जैसे साइकिल लेके मैं जाता था जब मैं छोटा था, स्कूल वगैरह जब मैं जाता था साइकिल लेके मैं जाता था। मगर यहाँ पे आप सोचो, दूर कहीं जगह पे है स्कूल, और उनका घर है दूर कहीं गांव पे पहाड़ के ऊपर, तो हर रोज़ हर दिन वो लोग घर से निकलते हैं और ऐसे ट्रेकिंग करके वो लोग जाते हैं अपने स्कूल की तरफ, और फिर स्कूल से ऐसे ही ट्रेकिंग करके अपने घर के लिए लौटते हैं। तो कितना तकलीफ़ भरा काम है ये, और आफ्टर डूइंग ऑल दिस एफर्ट्स, इफ समवन इज़ नॉट गेटिंग जॉब्स एंड ऑल, इतना कुछ करने के बाद अगर किसी को जॉब्स नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो कितना ख़राब लगेगा। ये रोड थोड़ा ख़राब है पीछे के रोड से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनिंग चल रहा है, पत्थर तोड़ के लिया जा रहा है यहाँ से हिल से, तो गाड़ी वगैरह आता रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आप, रास्ता जो है बहुत ही डर्टी है, क्योंकि प्लास्टिक्स
एंड सिगरेट का पैकेट और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तो जहाँ भी सिविलाइजेशन थाबा मार देता है ना, वहाँ ही हालत जो है वो ख़राब हो जाता है, नेचर जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिंगापुर भी गए थे और अभी देखिए, सिंगापुर से बेहतर सिविलाइजेशन, एक मॉडर्न सिटी आपको कहाँ मिलेगा? मगर सिंगापुर में चारों तरफ हरियाली, रास्ता जो है, रोड्स जो है एकदम क्लीन, कोई भी डर्टी थिंग्स, पॉलीथिन्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप फेंकते भी हो तो $100 सिंगापुर डॉलर आपको फाइन भरना पड़ेगा। आप यू कैन स्पाइट विद रोड। तो ये जो सख्ती होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये लाना ज़रूरी है। सिर्फ कोई मिशन या कोई स्वच्छ भारत का कैंपेन चलाने से ये होगा नहीं, एक स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए, नहीं तो ख़राब लगता है। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे आप लोगों को भी बहुत ख़राब लगता है जब आप ये सब चीज़ देखते हो। तो लगभग हम अभी पहुंच गए हैं हमारे एग्ज़िट पॉइंट पे। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो डेविस स्कॉट ट्रेल एंड माउफलैंग सीक्रेट फॉरेस्ट अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो एक दिन पूरा आपको लग जाएगा यहाँ पे। ओह गॉड, सो दिस इज़ द एग्ज़िट पॉइंट एंड वी कम्प्लीटेड आवर ट्रेकिंग ऑफ 16 किलोमीटर, जो हमको लगा लगभग 10 या 11 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे और अभी 5 hours 16 minutes और अभी 4:16 हो रहा है, 4:16 PM आफ्टरनून का, और यहाँ पे हमारा ट्रेकिंग ख़त्म होता है। तो लगभग 5 या 5.5 घंटा हमको लग गया। अभी कैब जो है हमारा बाहर वेट कर रहा है, वहाँ है मेन रास्ता, रोड जो है मेन रोड चेरापूंजी की तरफ, वो वहाँ से जा रहा है। तो अब हम कैब में सवार होंगे और निकल पड़ेंगे चेरापूंजी की तरफ। तो ट्रेकिंग करने के बाद हम पहुँच गए हमारे होम स्टे में, ये सोहरा जो टाउन है वहाँ पर। अभी अंदर चलते हैं। होम स्टे जो है बहुत ही बढ़िया है। हेलो, वी हैव बुकिंग पटांग होम स्टे फ्रॉम रेड बस, त्रिदीप्त घोष, बुकिंग डिटेल्स। ओके, वहाँ पे ऊपर है हमारा घर, हमारा रूम, और ये है और एक एंट्रेंस। इससे अंदर जाते हुए यहाँ पे 2 rooms अवेलेबल है। एक रूम ए है, मैं आपको दिखा दूँ, एक रूम ए है, लाइट्स थोड़ा कम है यहाँ पे, और दूसरा है ऊपर में, जिसके लिए हमको सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। और ये है दूसरा रूम जो है फर्स्ट फ्लोर में, और ये है हमारा बेड। यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक बेड दिया गया है, तो 3 आदमी यहाँ पे रह सकता है। ये है बाथरूम, बाथरूम है ये। जो सबसे अच्छा बात इस होमस्टे का मुझे लगा वो है इसका बैल्कनी, इसीलिए ए वाला रूम हमने सिलेक्ट किया। अब देखो इसका बैल्कनी, ये नज़ारा, ये जो सीनिक ब्यूटी है, इसीलिए ऊपर का जो ये स्टेयर है, ऊपर का जो हिस्सा है वही हमने सिलेक्ट किया है। तो आज हम बहुत थक चुके हैं, अभी थोड़ा नहाएंगे, रेस्ट करेंगे और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेंगे, चाय वगैरह जो भी है, देखते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे, कल हम चेरापूंजी का बाकी जो केव्स है, नेचुरल केव्स एंड वाटरफॉल्स, और भी बहुत सारा चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं अभी, और मेरा व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से कल। सो सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें डबल डेकर बीच भी जाना है। ए वाला था ऊपर वाला, और ए है नीचे वाला। हम अभी क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारा फिश है, तो ऐसे सॉक्स शूज़ वगैरह सब खोल के वहाँ पे पैर जो है हमारा एकदम पानी के अंदर डाल देंगे और फिश पा एट फ्री ऑफ कॉस्ट।
उसका मजा लेंगे। एक है वहाँ पे मेन फॉल्स और वहाँ पे दो छोटा छोटा और फॉल्स है, तो लगभग थ्री फॉल्स है दो। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, जहाँ से हम एंट्री किए थे अभी वहाँ से ही हमको निकलना पड़ेगा। पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है सेवन सिस्टर फॉल्स, तो ये है पॉइंट, एंट्री पॉइंट माउलिंगडोंग विलेज के लिए, जो है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। ये देखिए, ये है दुकान जो विलेजर्स हैं यहाँ का माउलिंगडोंग का, उनका दुकान।